क्या आप जानते हैं कि किसी की मृत्यु के 13 दिन बाद भोज क्यों जरूरी होता है? बहुत से लोग तो इसे सिर्फ एक रस्म मानते हैं, पर क्या आपको पता है कि 13वीं के भोज के बिना मरने वाले की आत्मा को कितनी परेशानी हो सकती है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि 13वीं का भोज और पिंडदान क्यों जरूरी माना जाता है। बता दें, ये सारी जानकारी हमें उज्जैन के पंडित आनंद भारद्वाज ने दी है। दरअसल हिंदू धर्म में किसी भी शख्स की मृत्यु के बाद कई सारी क्रियाएं की जाती है। इस पर पंडित जी ने कुछ खास बातें बताई, सुनिए। जी, भारतीय शास्त्रों में अनेक प्रकार से अंतिम संस्कार का कर्म कहा गया है तथा मृत्यु के पश्चात भारतीय धर्म में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जिस प्रकार अंतिम संस्कार की क्रिया, उसके पश्चात उसका अस्थि संचय के पश्चात जो है दशा कर्म के बाद में 12वीं तथा 13वीं का कर्म होता है। हिंदू धर्म में 13वीं का बहुत महत्व होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 13वीं तक आत्मा घर में ही रहती है। इसके बाद आत्मा यमलोक की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। अगर 13वीं भोज और पिंडदान नहीं किया जाता तो आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में बहुत सी परेशानी होती है। यमदूत आत्मा को जबरदस्ती ले जाते हैं और उसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। पंडित जी बताते हैं कि 13वीं भोज का मकसद आत्मा को शांति देना है। अगर इस दिन पिंडदान और भोज सही तरीके से नहीं किया जाता तो आत्मा को पिशाच योनि में भटकना पड़ सकता है। तो यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण के मुख्य अनुसार बताया गया है, गरुड़ पुराण के गया है कि सपिंडन विधान, ये 13वीं के दिन जो कर्म होता है वो सपिंडन विधान होता है तथा ब्राह्मणों का भोजन होता है और पितरों को शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। सपिंडन में ही पिंडदान होता है। तो इस प्रकार जिसका यह कर्म नहीं होता है उसकी आत्मा भटकती रहती है। 13वीं के दिन ब्राह्मण भोज भी बहुत जरूरी माना जाता है। ऐसा करने से मृतक की आत्मा को ब्राह्मणों का कर्ज नहीं चढ़ता। अगर ब्राह्मण भोज नहीं कराया जाए तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। 13वीं भोज में ब्राह्मणों को भोजन कराना बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। 13वीं का कर्म अति आवश्यक कहा गया है तथा यह कहीं जगह देखा है, सभी अपने अपने सामाजिक अनुसार यह कर्म करते हैं। कोई 3 दिन में करता है, कोई 5 दिन में कर देता है, तो कोई 12 दिन में, कोई 13 दिन में, इस प्रकार यह कर्म करता है और अलग अलग यह कहा गया है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार अगर अपन शास्त्रों की माने तो यह 13 दिन का विशेष कर्म कहा गया है। 13 दिन के दिन जब हो जाते हैं, 13 दिन तक यहाँ पर कहा गया है कि प्रेत की जो आत्मा है, मृतक व्यक्ति की आत्मा है, वो धरती पर ही निवास करती तथा मृतक व्यक्ति के घर में ही निवास करती है तथा 13 दिन तक जो कर्म होता है उसे वह मृतक व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है और जिसका यह सपिंडन कर्म और 13वीं कर्म शांति भोज ब्राह्मण भोज न होता है उसकी आत्मा यही को प्रेत योनि की प्राप्ति होती तथा उस पर ब्राह्मणों का कर्ज होता है। इसलिए 13वें दिन ब्राह्मण का वो भोजन करवाना चाहिए जिससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु होती है तो 13वीं का दिन आने पर ध्यान रखिए कि इसे सही तरीके से सारे रीति रिवाजों के साथ पूरा करें। इस दिन सारे काम करना बेहद जरूरी माना जाता है। इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और आपके परिवार को भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धार्मिक और अन्य संस्कारों से जुड़ी जानकारी जानने के लिए लोकलिटीन के साथ जुड़े रहें।